अयोध्या में साधु संतों की अगर बात हो रही है, यहाँ के अध्यात्म की चर्चा हो रही है, संतों की राय ली जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जानकारी अगर पूछी जा रही है और क्या राजनीति में चल रहा है उस पर भी अगर चर्चा की जा रही है, तो बहुत सारे साधु संतों का नाम, महंतों का नाम आपने सुना होगा। लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उनकी आयु है 12 वर्ष। 12 साल के महंत सूरत दास जी हमारे साथ है, न्यूज 18 पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत सूरत दास जी न्यूज 18 पर। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका नाम ही सूरज दास है, सूरज की लालिमा में इस वक्त आप नजर भी आ रहे हैं और पूरी अयोध्या इस वक्त राममय है, हनुमानमय है, आसपास भजन चल रहे हैं। सबसे पहले कोई स्तुति, प्राण प्रतिष्ठा और संतों की भावनाओं को लेकर अगर आप सुनवा पाएंगे और ढेर सारी बातें होंगी उसके बाद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा घन घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बनुमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करूं अनंत। ये स्तुति जो आपने हमें सुनाई है और जैसे ही इनके बोल शुरू होते हैं, आप देखिए इनको सुनने के लिए, इनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए लोग खुद ही यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े आराम से बैठ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है छोटे बच्चे के मुंह से जब आप स्तुति सुनते हैं और खास तौर पर तब जबकि वो खुद महंत है। आप ये बताइए, आज पूरी अयोध्या राममय है, आपकी इतनी कम वर्ष की आयु में आप महंत हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके गुरु कौन है, अब तक क्या क्या सीखा है आपने? हमारे गुरु श्री 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 धराचार्य जी महाराज थे, जहाँ पहले शिक्षा हम लेते थे। अब महाराज जी जिसके यहाँ हमारे उत्तराधिकारी हैं, वहाँ के श्री श्रीपद दास जी महाराज जी चना चरा मिसरौली हनुमंत कुटी, वहीं से शिक्षा दीक्षा चल रही है हमारी और प्रेरणा हमारे श्री श्रीपद दास जी महाराज की कृपा अनुसार हमको मिला है। अब तक क्या क्या सीख चुके हैं आप? हमने तो सुना है बहुत सारे वेद कंठस्थ होते हैं, बहुत सारे मंत्र कंठस्थ होते हैं, स्त्रोत सूक्तियाँ पाठ, क्या क्या आप सीख चुके हैं? अभी मैं कर्मकांड सीख रहा हूँ, अभी कंठस्थ नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा रही तो हम भी वेद कंठस्थ करेंगे। श्री राम के लिए, हनुमान जी के लिए आप कोई ऐसा स्त्रोत सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, उसका अर्थ आप बताना चाहेंगे? अतुलित बल धामम हैल सैलाब देयम धनुजवन किसानम ज्ञानीनाम गणम सकल गुण धानम बारुणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इसका मतलब हनुमान जी इतने बलशाली थे फिर भी वो नम ही रहते थे। तो आप हनुमान जी के स्वरूप से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, हमें पता चला है कि आप राजनीतिक राय भी रखते हैं, राजनीतिक विषयों पर भी बोलते हैं। अयोध्या जो ना सिर्फ श्री राम की जन्मस्थली है बल्कि इसके साथ हो रही राजनीति से भी क्या आप परिचित हैं? सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? कुछ लोग कह रहे हैं ये शास्त्र संगत नहीं है, इस पर क्या राय है आप? नहीं, ये जो सोच रहे हैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए टिप्पणी कर रहे हैं ये गलत बात है। हनुमान जी की कृपा से यहाँ राम मंदिर अगर बन रहा है तो उनमें सहयोग करना चाहिए, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आइए आप दर्शन कीजिए, आपका उद्धार होगा। ये भी कहा जा रहा है कि शंकराचार्यों ने जो है वो एतराज जताया है, इसको भी विपक्षी दल जो है अलग अलग तरीके से आगे रख रहे हैं, जनता के बीच में ले जा रहे हैं, आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? हम श्री शंकराचार्य जी को यही निवेदन करना चाहते हैं कि जहाँ भगवान पंडाल में थे, खुले में थे, कम से कम अब छत के नीचे आ रहे हैं, इस बात की खुशी होने के कारण आपको आना चाहिए। बहुत सारे विपक्षी दल और नेता ऐसे हैं जो श्री राम और रामचरितमानस को लेकर अलग अलग तरह के बयान देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब नास्तिक हैं जो राम जी के बारे में बयान गलत दे रहे हैं, और विपक्ष के लोग ऐसे ही होते हैं कि कुछ भी हो तो एक बार मतलब एजेंडा अपना खड़ा करना चाहते हैं वो। क्या एजेंडा है उनका? मतलब ये करना है कि कुछ भी अगर कहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ किया जाए कि योगी जी को मोदी जी को बदनाम किया जाए जी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, इसमें मोदी जी योगी जी ने कुछ नहीं किया। पर योगी जी ने मोदी जी ने जितना समय और जितना प्रयास किया उतना कोई और किया भी नहीं है जी। विपक्षी दलों का कहना है कि राम पर राजनीति कर रही है सत्ता पक्ष जो है, लेकिन राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो आस्था का विषय है इसीलिए हम राम नाम को भुनाते नहीं है। तो वही चीज है ना कि हम सब लोग राममय हैं,
और राम का नारा लगाने से कोई रोक नहीं सकता पूरी पृथ्वी पे जी। उन विपक्षी दलों को आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो 2024 के चुनाव में वोट मांगने के लिए बनवाया गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, 2022 से ही शायद बन रहा है और यहाँ काम चारों ओर हो रहा है, तालाब, सड़क, रोड, मकान, मंदिर, हर चीज का निर्माण हो रहा है, मंदिर का ही नहीं, हर चीज का निर्माण हो रहा है यहाँ। एक सवाल ये भी उठाया था विपक्षी दलों ने कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप चूंकि महंत भैया, आप उसके बारे में क्या समझाना चाहेंगे? यही तो समझाना चाहते हैं जो मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान वहाँ खुले में थे, कम से कम छत उनको मिल रही है, तो ये मतलब खुशी की बात है, ये सब बातें नहीं सोचना चाहिए जी। सोमनाथ मंदिर की भी एक तस्वीर सामने आई, उसमें भी दिखाया गया कि गर्भगृह बनते ही वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, यहां पर भी गर्भगृह तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन फिर भी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये तो अधूरा मंदिर है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो भी राजनीति के लिए। ये बात गलत है, ये वेद अनुसार, शास्त्र के अनुसार, पंडितों के अनुसार, सब कुछ के अनुसार ही बन रहा है और हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 11 दिन का इस समय कड़ा व्रत उन्होंने लिया हुआ है और अंतिम के जो 3 दिन होंगे उस पे कहा जा रहा है कि वो सख्त बिस्तर पे सोएंगे, मतलब वो आम बिस्तर पर भी नहीं सो सकते, ये कौन सा नियम होता है इसके बारे में और ये कितना कठिन होता है, उसको कौन ले सकता है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये मोदी जी जो है संत है और संत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं जी। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं 100 करोड़ जनता वासियों के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। 500 साल बाद ऐसा मौका आया है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सरकार बीजेपी की केंद्र में भी है, राज्य में भी है, राम मंदिर भी बन रहा है, काशी का कायाकल्प हुआ और मथुरा की भी बात हो रही है। हाँ, अभी ये झांकी है, मथुरा की बाकी है जी। तो ये बताइए देश के विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे विपक्षी दल हैं, वो कोई सनातन धर्म को कोरोना कह रहा है, कोई उसको डेंगू मलेरिया बता रहा है, इस तरह की भी बातें देश में हो रही हैं और ये सब तब हो रहा है जब राम मंदिर बन करके लगभग तैयार है। अगर देश में कोरोना हो रहा है और राम मंदिर में कोरोना हो रहा है, हर जगह अगर कोरोना ही हो रहा है तो पाकिस्तान चले जाएं, अगर यहाँ से उनको भारत से दिक्कत हो रही है तो जी। कुछ लोग श्री राम पर सवाल उठाते थे, राम सेतु को लेकर सवाल उठाते थे, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये सब उनकी सोच गलत है और भड़काने का काम कर रहे हैं, जो राम जी ने किया है वो कोई कर भी नहीं सकता, वो जगत पालनहार है जी। आपको क्या लगता है सनातन पर क्यों सवाल उठ रहा है, क्या वजह है, कौन है ये लोग और क्या मंशा है इनकी? इनकी मंशा यही है कि हिंदू राष्ट्र न होने पाए, मंदिर न बने, यही सब इनकी सबकी सोच है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र से आपका क्या अर्थ है, क्या होना चाहिए हिंदू राष्ट्र में, इसकी परिकल्पना आपके लिए क्या है? जो लोग सोचते हैं हम ये धर्म के अपने अपने धर्म के लिए झगड़ा करते हैं और छोटी जातियों को तुच्छ मानते हैं, ऐसी कोई सोच गलत है, सब कुछ सोचिए। हिंदू राष्ट्र होने के कारण सभी लोग फक्र से कहेंगे कि हम हिंदू हैं, कोई जात नहीं बताएगा जी। पर बहुत से दल ऐसे हैं जो जाति की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातियों के लिए कहा जाता है कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब उनकी सोच है, हम तो राम भक्त हैं, हमको इसी में रहने दीजिए। अच्छा, आप महंत हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप यही करना है और आगे अब आपका क्या सपना है? ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, श्री जो आपको हम बताए थे चनाचौड़ा के महाराज जी हैं, श्री श्रीपद दास जी महाराज, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, श्री राम का भी आशीर्वाद है, हनुमान जी का भी आशीर्वाद है, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ श्लोक या दोहे हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। दोहे श्लोक, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसू जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जाने के, पूरा चाल से सुना दे। सुनाइए। बुद्धिहीन तनु जाने के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहरो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरम विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बहुत सुंदर, हनुमान जी का नाम हमने ले लिया, अब कोई राम भजन भी हो जाए। श्री राम चंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज मुख कंजारुण, कंधर्व अंगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तणित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु
सदान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कोसल चंद दशरथ नंदनम। अच्छा एक चीज और जाते जाते बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पा रहे, अपने घरों में होंगे, उनको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? वो मंत्र आप शब्दशः बिल्कुल सही उच्चारण के साथ उनको बताइए। ये मंत्र उनको उच्चारण करना चाहिए कि राम से बड़ा राम का नाम है, वो राम का नाम लिए और दीपक जलाए और खुशियां मनाए और दीपावली भव्य तरीकों से मनाए 22 जनवरी को। आप इस दीपावली पर क्या करने जा रहे हैं? ये कहा जा रहा है 500 साल बाद ऐसी दीपावली आई। हम सब लोग भी बहुत खुश हैं, उत्साही गए और हम सब लोग दीपावली की तरह दीपक जलाएंगे यहाँ राम पैड़ी पर और श्री राम जी का दर्शन करने जाएंगे और खुशियां मनाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको न्यूज 18 की तरफ से। जय श्री राम। तो 12 साल के महंत, इनकी बात आपने सुनी, राजनीतिक राय भी रखते हैं, श्री राम में आस्था रखते हैं, हनुमान जी में भक्ति रखते हैं और अभी अभी इन्होंने बहुत सारी बातें और भक्तों को क्या घरों में करना चाहिए उसके बारे में हमें बताया। आस्था कौशिक, न्यूज 18, अयोध्या।